Good morning, all of you. I welcome you all on the MCIT digital platform. Today, we will study about the Development Biology Paper 3rd, BSc Part 1st, right? Blastulation. In blastulation, there is a formation of blastula, right? Blastula is formed in this process. So we can say it is a process of formation of blastula, right? So एक process है जिसके अंदर blastula का formation होता है and as a result जो structure form हो रहा है वो blastula form हो रहा है, राइट एंड इस स्ट्रक्चर में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ऑल राइट सो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे और इसमें डिफरेंट सेल्स भी प्रेजेंट होंगे और बीच में एक सिंगल कैविटी प्रेजेंट होगी जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं, राइट और ये कैविटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, यानी कि ये इसमें फ्लूइड जो है वो फिल्ड रहेगा, भरा हुआ रहेगा, राइट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हमने बोला ब्लास्टोसील फॉर्म हो रही है लेकिन इसकी जो आउटर लेयर है उसको हम ब्लास्टोडर्म नेमिंग देते हैं, यानी कि आउटर लेयर है एपिडर्मिस की तरह, जैसे एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है बाहर की तरफ, राइट हमारे स्किन में, सेम उसी तरह से यहाँ पर ब्लास्टोडर्म है, बाहर की लेयर है ब्लास्टुला की, इसलिए हम इसे ब्लास्टोडर्म नेमिंग देते हैं। नाउ क्योंकि हमने बोला बीच की कैविटी है तो उसे हम ब्लास्टोसील कहेंगे। नाउ जो सेल्स इसके अंदर अरेंज्ड होंगे, राइट ये सेल्स ब्लास्टोमेयर्स कहलाएंगे, राइट इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होंगे इन्हें हम ब्लास्टोमेयर्स कहेंगे, जो सेल्स डिविजन करके एक प्रॉपर ब्लास्टुला का फॉर्मेशन करते और ये ब्लास्टोमेयर्स एज अ रिजल्ट किसके फॉर्म हुए हैं, क्लीवेज से फॉर्म हुए हैं, राइट क्लीवेज हुआ इनमें, यानी कि एक टाइप का माइटोटिक डिवीजन हुआ एंड उस डिवीजन के थ्रू एक ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ, राइट सो एज अ रिजल्ट इन दिस वे हम बोल सकते हैं कि ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ हमने बोला इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला फ्रॉम द जाइगोट, क्योंकि जाइगोट से फॉर्मेशन हो रहा है, सो फ्रॉम द जाइगोट विद द हेल्प ऑफ क्लीवेज, ऑल राइट क्योंकि क्लीवेज की हेल्प से हो रहा है इसलिए ब्लास्टुलेशन नेमिंग देते हैं। नाउ क्योंकि हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के ब्लास्टुला फॉर्म हो सकते हैं इसलिए हम इन्हें बोलेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला को शो करते हैं, राइट किसी ऑर्गेनिज्म में बिकॉज एग जो है वाई देयर इज रीजन कि क्यों डिफरेंट ब्लास्टुला वहाँ पर शो करते हैं, बिकॉज कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो एग कंपोजिशन है वो बहुत डिफरेंट है, यानी कि कुछ में जो योग है वो एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, राइट कुछ में योग एक पर्टिकुलर साइड में प्रेजेंट है, राइट कुछ सेंट्रो हम बोल सकते हैं लेसिथल है, कुछ डिस्कोलेसिथल है यानी कि एक साइड में एक पोल की तरफ एग प्रेजेंट है, कुछ होमोलेसिथल है यानी कि पूरा प्रॉपर कंप्लीट अरेंजमेंट है योग का ओवर द एग। सो इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला हो सकते हैं, इसके पीछे रीजन है क्योंकि एग कंपोजिशन यानी कि योग का जो परसेंटेज है, योग की जो पोजिशन है, राइट योग का जो अमाउंट है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है, डिफरेंट है,
इसलिए हम यहाँ पर रीज़न देते हैं कि इस वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्टुलास डिफरेंट एग्स में प्रेजेंट रह सकते, राइट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला हैं, तो उनमें डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स भी दिखेंगे, राइट। एंड जो क्लीवेज पैटर्न है वो भी डिफरेंट ही रहेगा, यानी कि डिफरेंट टाइप के ब्लास्टुला में डिफरेंट टाइप से क्लीवेज, या हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीवेज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से यहाँ पर हम नेमिंग देते हैं। सो सेकेंडली हम स्टडी करते हैं, पहली बात तो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन किससे होता है, मॉरुलर स्टेज से होता है, राइट। मॉरुलर स्टेज से ब्लास्टुला फॉर्म हो रहा है एंड एज अ रिजल्ट स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला की बात करते हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप का ब्लास्टुला दिख सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लास्टुला की, जिसे हम बोलते हैं स्टीरियो ब्लास्टुला, राइट। इसका स्ट्रक्चर एक हम बोल सकते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर की तरह है, एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहता है। नाउ स्टीरियो ब्लास्टुला एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें स्टीरियो ब्लास्टुला में ऑब्जर्व होती है, राइट। सो इस टाइप से स्टीरियोब्लास्टुला का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ब्लास्टोसील ऑलमोस्ट हम बोलते हैं कि निल है या एब्सेंट ही रहती है। यहाँ पर ब्लास्टोसील प्रेजेंट नहीं रहती, इसकी एब्सेंस देखी जाती है, राइट। तो इसको हम नेमिंग दे देते हैं कि यहाँ पे ब्लास्टोसील बहुत स्मॉल है, वेरी माइन्यूट टाइप की, वेरी स्मॉल टाइप की ब्लास्टोसील या ऑलमोस्ट एब्सेंट ही है। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर ऑब्जर्व होती है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं, सेल्स की जो साइज़ है वो लार्ज है, यानी कि ब्लास्टोमेयर्स जिन्हें हम सेल कह रहे हैं वो लार्ज साइज़ के प्रेजेंट है एंड अप्रोक्सीमेटली 8 ब्लास्टोमेयर्स तक प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि सेल्स की साइज़ लार्ज है। नंबर में जो सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स कम हैं, काफ़ी लो हैं एंड बीच में एक छोटी सी स्मॉल कैविटी प्रेजेंट रहती है, जिसे हम ब्लास्टोसील नेमिंग दे देते हैं, राइट। तो ये है स्टीरियो ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर। एंड जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल आता है नीरिस का, राइट। नीरिस इसमें बेस्ट एग्जाम्पल शो होता है। नाउ सेकेंड टाइप के ब्लास्टुला की हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीलो ब्लास्टुला, सीलो ब्लास्टुला। नेमिंग से पता चलता है सीलो ब्लास्टुला, यानी कि इसके अंदर सीलोम जो होगी
या ब्लास्टोसील जो होगी वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, इसलिए हमने इन्हें नेमिंग दी है सीलोब्लास्टुला, राइट। तो हमने बोला ब्लास्टोसील यानी कि कैविटी की प्रेजेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो सेल्स क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे एंड सेल्स नंबर में ज़्यादा भी हो जाएंगे, राइट। स्ट्रक्चर देखते हैं सीलोब्लास्टुला का, यानी कि इसमें अच्छे से कैविटी है, ब्लास्टोसील प्रेजेंट है, प्लस सेल्स जो होंगे वो नंबर में थोड़े से ज़्यादा हैं, राइट। सेल्स जो हैं नंबर में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ब्लास्टोमेयर्स दो टाइप के हो सकते हैं, इफ़ ब्लास्टोमेयर्स जो हैं वो छोटे हैं साइज में, आउटर लेयर को तो पहली बात ब्लास्टोडर्म ही कहेंगे, एंड इफ हम बोल रहे हैं कि ब्लास्टोमेयर साइज में छोटे हैं, स्मॉल हैं, तो उन्हें हम माइक्रो ब्लास्टोमेयर्स कह देते हैं, और अगर वो साइज में लार्ज हैं तो उन्हें हम मैक्रो ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं, यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए ये डिफरेंट टाइप के ब्लास्टोमेयर्स स्ट्रक्चर को शो करते हैं, राइट। नाउ थर्ड टाइप का जो ब्लास्टुला है उसको हम देखते हैं कैसा होता है। थर्ड टाइप के ब्लास्टुला को हम नेम देते हैं पेरी ब्लास्टुला, या इसे हम सुपरफिशियल ब्लास्टुला भी कह सकते हैं, राइट। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, पेरी ब्लास्टुला है तो इसे हम सुपरफिशियल ब्लास्टुला के नाम से भी जानते हैं। सुपरफिशियल का मतलब हुआ कि बाहर बाहर से, मींस आउटर सरफेस से हमें किस तरह से ये विजिबल होता, राइट। यानी कि ब्लास्टुला का फॉर्मेशन किस वे से हुआ है, सुपरफिशियली वे से हुआ, तो इसको हम नेम दे रहे हैं पेरी ब्लास्ट। अब ये ब्लास्टुला सर्क्यूलर तो नहीं होता स्ट्रक्चर में, राइट, एंड इसमें हमें इस टाइप से स्ट्रक्चर्स विजिबल होते हैं, राइट। यानी कि ये आउटर सरफेस है तो इसको हम ब्लास्टोडर्म नेमिंग देंगे, और जो बीच की सेंट्रल कैविटी है जहां पर योग प्रेजेंट है, राइट, तो इस टाइप के एग को हम सेंट्रोलेसिथल एग नेमिंग देते हैं। यानी कि योग की प्रेजेंस कहाँ पर है, जस्ट सेंटर पर योग प्रेजेंट रहेगा, इसलिए नेम दिया है सेंट्रोलेसिथल, राइट। ब्लास्टोडर्म है, योग सेंटर में है,
एंड सुपरफिशियल ब्लास्टुला इसको नेमिंग इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर जो डिविजन्स हैं यानी कि जो क्लीवेज है वो प्रॉपर फरो के फॉर्म में नहीं बन रही हैं, राइट? फरो फॉर्मेशन यहाँ पर है लेकिन प्रॉपर फरो जो है वो अंदर तक एम्बेडेड नहीं हो रही, राइट? यानी कि सुपरफिशियली ही डिविजन ऑब्जर्व होता है। तो सुपरफिशियली डिविजन ऑब्जर्व होगा तो इस टाइप के डिविजन को, क्लीवेज को हम नेमिंग देते हैं सुपरफिशियल ब्लास्टुला, राइट? बीच में सेंटर में योक वाले रीजन में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। नाउ क्योंकि हमने इसे नेमिंग दी है सुपरफिशियल ब्लास्टुला तो यहाँ पर एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला या मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के जो एग्स होते हैं, यानी कि ये सर्कुलर तो नहीं है तो इंसेक्ट के एग्स जो होंगे वो इस टाइप का ब्लास्टुला पैटर्न शो करते हैं। नाउ फोर्थ टाइप के पैटर्न को देखते हैं। फोर्थ टाइप का ब्लास्टुला है डिस्को ब्लास्टुला, राइट? डिस्को ब्लास्टुला, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से विजिबल है हमें? एकदम डिस्क फॉर्म में, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विजिबल होगा। सो हम इसको नेमिंग दे देते हैं डिस्को ब्लास्टुला। नाउ डिस्को ब्लास्टुला हमें काफ़ी बर्ड्स में, राइट, एवीज में देखने को मिलता है, कुछ रेप्टाइल्स में जिनमें योग कंटेंट क्या है, हाई है, ज़्यादा है, उन ऑर्गेनिजम्स में, उन स्पीशीज में हमें ऑब्जर्व होता है इस टाइप का ब्लास्टुला। नाउ क्योंकि बात कर रहे हैं हम डिस्को ब्लास्टुला की तो डिस्को ब्लास्टुला में डिविजन्स जो होंगे वो डिस्क शेप्ड पैटर्न के अंदर विजिबल होंगे, यानी कि डिस्क शेप्ड में डिविजन्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। नाउ सपोज ये जायगोट के बाद फॉर्म्ड जायगोट है, राइट? फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज पैटर्न हमें सिर्फ इसी रीजन तक ऑब्जर्व होगा, बाकी पूरे रीजन में बिकॉज योक की प्रेजेंस। नाउ क्योंकि डिस्क शेप्ड में योक प्रेजेंट है इसलिए हमने इसे नेमिंग दी है डिस्को ब्लास्टुला। जब डिविजन्स होते हैं इसमें तो डिविजन्स के टाइम पे हमें टू टाइप की कैविटीज देखने को मिलती हैं, ऑब्जर्व होती हैं। आउटर लेयर को वही हम ब्लास्टोडर्म ही बोलेंगे, दिस इज ब्लास्टोडर्म। यहां पे सेल्स का डिविजन हो रहा है, डिविजन शो कर रहे हैं सेल्स। नाउ जो अपर कैविटी है या अपर सीलोम है उसको हम नेमिंग देते हैं ब्लास्टोसील, एंड जो लोअर है उसको हम सब जर्मिनल कैविटी नेमिंग देते हैं। एंड इस टाइप के ब्लास्टुला को डिस्को ब्लास्टुला सिर्फ इसलिए बोला गया है बिकॉज डिस्क शेप्ड में ही क्लीवेज हो रहा है, ऑल ओवर द एग योक प्रेजेंट है, योक की प्रेजेंस देखी जाती है एंड डिस्क शेप में क्लीवेज अकर होता है, टू टाइप की कैविटीज भी फॉर्मेशन शो करती है। एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द बर्ड्स में इस टाइप का ब्लास्टुला शो होगा। नेक्स्ट टाइप के ब्लास्टुला को देखेंगे, फिफ्थ टाइप का है एम्फी ब्लास्टुला। मोस्टली हम बोलते हैं ये एम्फीबियंस में भी देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसके अंदर स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंटली हमें ऑब्जर्व होगा। टू टाइप्स ऑफ सेल्स ऑब्जर्व होंगे, वन साइड पे फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे एंड अदर साइड पे ग्रैन्यूलर सेल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि उनके अंदर
ग्रैन्यूल्स की प्रेजेंस ऑब्जर्व की जाएगी। एंड फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं मीन्स वो मोशन शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, एंड उनमें फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पर जो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो रहा है वो टू टाइप के सेल्स के कॉम्बिनेशन से हो रहा है, इसलिए हमने इसे एम्फीब्लास्टुला नेमिंग दिया। जब ऑब्जर्व करते हैं इसके स्ट्रक्चर को तो हमें सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व नहीं होता है। हाफ एंटीरियर रीजन में फ्लैजिलेटेड सेल्स की प्रेजेंस ऑब्जर्व होती है एंड हाफ पोस्टीरियर रीजन में ग्रेन्यूलर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। सो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है। ये है फ्लैजिलेटेड सेल्स। एंड ये ग्रैन्यूल। यानी कि इनमें ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे। एग्जाम्पल इसमें साइकॉन देखा जाता है जिसमें इस टाइप का ब्लास्टुला ऑब्जर्व होता। नेक्स्ट लास्ट जो ब्लास्टुला है वो है ब्लास्टोसिस्ट, जो कि मोस्टली ह्यूमंस में भी देखा जाता है, राइट? एंड इसमें भी ब्लास्टोडर्म प्रेजेंट रहेगी आउटसाइड में। जितने भी सेल्स हैं ब्लास्टोमेयर्स अरेंज्ड रहेंगे एंड सेंटर में इनर सेल मास की प्रेजेंस रहेगी। यानी कि सेंटर में प्रेजेंट है इनर सेल मास एंड आउटर साइड पर ब्लास्टोडर्म है जिसको हम नेमिंग देते हैं ट्रोफोब्लास्ट, राइट? सो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें ब्लास्टोसिस्ट में ऑब्जर्व होता है एंड ब्लास्टोसिस्ट ह्यूमंस में ऑब्जर्व की जाती है। इन दोनों स्ट्रक्चर कंबाइंडली फॉर्म करके हमें पूरा स्ट्रक्चर देते हैं एम्ब्रियो का, यानी कि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का भी फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर से प्लस एम्ब्रियो का। सो इस पूरे ब्लास्टुला से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी फॉर्म होती हैं, फॉर्मेशन शो करती हैं। एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में जैसे हमारी एलेंटॉइस, योक सैक, राइट? ये सारी जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं ये फॉर्मेशन शो करेंगी। मोस्टली ह्यूमंस में हम बात करते हैं योक कंटेंट की तो मोस्टली एब्सेंट होता है, हम बोलते हैं योक कंटेंट ऑलमोस्ट निल है, तो उस सेंस में योक सैक का डेवलपमेंट यहाँ पर शो नहीं हो। सो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के ब्लास्टुला हमें ऑब्जर्व होते। नाउ जब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इम्पोर्टेंस की बात करते हैं ब्लास्टुला के, तो हमें कुछ इम्पोर्टेंस भी ऑब्जर्व होती है। ब्लास्टुला कुछ सिग्निफिकेंसेस को शो करता है, यानी कि क्या इम्पोर्टेंस ये रखता है। फर्स्टली ब्लास्टुला के थ्रू क्लीवेज हो रहा है, यानी कि क्लीवेज को प्रमोट कर रहा है एंड एज अ रिजल्ट एक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है, राइट? सो फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर। एंड सेकेंडली क्योंकि ब्लास्टुलेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन स्टेज आती है, सो ये वी कैन से कि पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है एंड उसके बाद गैस्ट्रुलेशन का डेवलपमेंट होगा। सेकेंडली हम बात करते हैं इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। ब्लास्टोसील क्योंकि कैविटी है, एक एम्प्टी स्पेस है,
तो ये एरिया प्रोवाइड करती है सेल्स के मूवमेंट के लिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज जो गेस्ट्रुलेशन है वहाँ पर मूवमेंट होगा सेल्स का, तो यहाँ पर स्पेस और एरिया प्रोवाइड करती है ब्लास्टोसील, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस शो करता। सो इस टाइप से हम इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं ब्लास्टुलेशन के। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हमने ऑब्जर्व किया था कि ब्लास्टुला या ब्लास्टुलेशन की एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म हो रही हैं। नाउ हम बात करेंगे गेस्टुलेशन की, राइट, कि गेस्टुलेशन प्रोसेस कैसे कंडक्ट और इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले फर्स्टली हम बात करेंगे कि गेस्टुला क्या है। सो इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गेस्टुला, यानी कि गेस्टुलेशन प्रोसेस है जिसमें गेस्टुला का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट गेस्टुला स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है एंड गेस्टुलेशन प्रोसेस है, राइट। नाउ जब गेस्टुला के स्ट्रक्चर को हम कंसिडर करते हैं तो हमें यहाँ पर डिफरेंट थिंग्स ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। लाइक if we are saying that this is a structure of gastrula, then in this way gastrula will appear to us, yani ki layers present rahengi, right, but just like blastula gastrula mein bhi cavity present hogi, ek body cavity present hogi, राइट। सो ब्लास्टोसील हम ब्लास्टुला की कैविटी को नेमिंग देते हैं, बट गेस्ट्रुला की कैविटी को नेमिंग हम गेस्ट्रोसील नहीं देते। यहाँ पे जो कैविटी है उसको हम नेमिंग देते हैं आर्केंटेरॉन, राइट, फ्लूइड फिल्ड कैविटी आर्केंटेरॉन गेस्ट्रुला की कैविटी है। एंड नाउ यहाँ पे जो ओपनिंग है इसे हम बोलते हैं ब्लास्टो पोर, या हम बोलते हैं कि ब्लास्टुला के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है, सो एक पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, इसे हम नेमिंग देते हैं ब्लास्टो पोर, राइट। और हम बोल सकते हैं ब्लास्टुला लिप लाइक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है। सो ये चीज क्लियर है कि कैविटी है आर्केंटेरॉन, ब्लास्टो पोर इसका एक छिद्र है, पोर है, एंड इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट। सो सबसे पहले फर्स्टली हम जो चीज़ कंसिडर करते हैं कि ब्लास्टुला में सिंगल लेयर थी, यहाँ हमें थ्री टाइप्स की लेयर ऑब्जर्व होती हैं, यानी कि थ्री जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। एंड थ्री जर्मिनल लेयर्स के फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट लेयर है एपिडर्म, मिडिल इज मेसोडर्म, राइट। इस तरह से थ्री जर्मिनल लेयर्स फॉर्म करती हैं एपिडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट। सो थ्री जर्मिनल लेयर्स आर फॉर्म्ड हेयर, ऑल राइट। एंड एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे कि एपिडर्म आउटर लेयर है, मेसोडर्म मिडिल लेयर है एंड एंडोडर्म इनर लेयर है, जिसका फॉर्मेशन इनर साइड में पॉसिबल है। सो एपिडर्म से हमें जो स्ट्रक्चर्स, ये तीनों जो लेयर्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती हैं, हेल्प करती हैं डेवलपमेंट में। सो एपिडर्म से जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, जिनका फॉर्मेशन हमें शो होता है, वो हैं स्किन एंड नर्वस सिस्टम,
यानी कि ब्रेन पार्ट, राइट, इनका फॉर्मेशन एपिडर्म से पॉसिबल है. मेसोडर्म फॉर्मेशन करता है मोस्ट प्रोबेबली मसल्स का, राइट, एंड एंडोडर्म मोस्ट प्रोबेबली जो सिस्टम्स हैं, सीलोम्स हैं, उनका फॉर्मेशन करता है. अब जब भी हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप के सीलोम्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी फॉर्मेशन के टाइम पे, तो हम देखते हैं कि सीलोम्स भी बॉडी में टू टाइप से फॉर्म होते हैं. एक होता है शाइजोसीलोम, एक होता है एंटेरोसीलोम. एंटेरोसीलोम एंड शाइजोसीलोम, ये टू प्रोसेसेस हैं, या हम बोल सकते हैं प्रोसीजर्स हैं, जिनके थ्रू सीलोम का फॉर्मेशन होता. नाउ शाइजो का मतलब होता है ब्रेकडाउन या फिर सेल्स का स्प्लिट होना, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स. ये तो शाइजोसीलोम का मतलब. एंटेरोसीलोम का मतलब होता है कि सीलोम का फॉर्मेशन हो रहा है किसकी हेल्प से, एंटेरॉन की हेल्प से, यानी कि एक एलिमेंट्री केनाल टाइप स्ट्रक्चर है, वहाँ से पाउचेस का फॉर्मेशन होगा एंड उन पाउचेस के थ्रू सीलोम फॉर्म करेगी. तो एक बार स्ट्रक्चर वाइज जब हम डायग्रामेटिकली इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो शाइजोसीलोम के थ्रू जैसे सपोज पूरे में सेल्स प्रेजेंट हैं, राइट, ये एक सेल है, इसमें पूरे में सेल्स प्रेजेंट हैं, या ये एक कह सकते हैं एम्ब्रियो है जिसमें पूरे में सेल्स की प्रेजेंस है कंप्लीट सर्फेस पर. अब क्या होगा, बीच में ब्रेकिंग होगी, स्प्लिटिंग होगी सेल्स की. उस स्प्लिटिंग के थ्रू एक सीलोम स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा और सेल्स का फॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट रहेगा. यानी कि अगर सेल्स स्प्लिट होते हैं, डिवाइड होते हैं, बीच में सीलोम क्रिएट करते हैं, सो इस टाइप की सीलोम प्रोसेस को शाइजोसीलोमी या शाइजोसीलोम प्रोसेस कहते हैं. वहीं बात करते हैं इस टाइप से, एलिमेंट्री केनाल प्रेजेंट है, बाहर सेल्स प्रेजेंट है. एलिमेंट्री केनाल से ही पाउचेस बनेंगे, पाउचेस का फॉर्मेशन होगा एंड ये पाउचेस एक्सटेंड करके इस तरह से स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं. यानी कि अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सीलोम का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट. सो इस टाइप से जब पाउचेस के फॉर्मेशन से, एंटेरॉन से सीलोम का फॉर्मेशन होता है, तो हम इसे नेमिंग देते हैं एंटेरोसीलोम, राइट. स्प्लिटिंग से सीलोम फॉर्म और एंटेरॉन से सीलोम का फॉर्मेशन. नाउ ब्लास्टोपोर की जब हमने बात की, तो ब्लास्टोपोर के बेसिस पर हम टू टाइप्स के एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, राइट. एक होते हैं प्रोटोस्टोम्स एंड सेकेंड टाइप के होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स. राइट, प्रोटोस्टोम्स मीन्स प्रोटो का मतलब मीनिंग हुआ फर्स्ट टाइम, पहले, स्टोम्स यानी कि माउथ. मींस ब्लास्टोपोर से जिन ऑर्गेनिजम्स में माउथ का डेवलपमेंट हो रहा है पहले, राइट, फर्स्टली माउथ का डेवलपमेंट हो रहा है, वो ऑर्गेनिजम्स प्रोटोस्टोम्स कहलाएं. वहीं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन में इस रीजन से एनस का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, एंड अपोजिट साइड पे माउथ का फॉर्मेशन शो करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ड्यूटेरोस्टोम्स नेमिंग देते हैं. सो प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स, टू टाइप के ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोर, राइट, एंड आर्केंटेरॉन इज द कैविटी प्रेजेंट हियर, एंड हियर थ्री जर्मिनल लेयर्स आर प्रेजेंट विच आर एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट. सो इन दिस वे स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड.
नाउ हम बोलते हैं कि गैस्ट्रुला में सेल्स का मूवमेंट होता है, बिकॉज हमने एक सिग्निफिकेंस कंसिडर किया था कि ब्लास्टुला में इफ ब्लास्टोसील कैविटी प्रेजेंट है तो वो कैविटी सेल्स को मूव करने में, मूवमेंट के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करती, राइट? और ये जो स्पेस है ये क्यों प्रोवाइड होता है? बिकॉज सेल्स का अब मूवमेंट स्टार्ट होगा. सो गैस्ट्रुला में सेल्स का मूवमेंट होता है, इसलिए इन मूवमेंट्स को हम गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट्स नेमिंग देते हैं, राइट? यानी कि गैस्ट्रुला प्रोसेस में मूवमेंट्स हो रहे हैं. मीन्स हम डिफाइन कैसे करेंगे इस टर्म को, दैट द मूवमेंट्स अकरिंग इन द गैस्ट्रुला या द मूवमेंट्स ऑफ द सेल अकरिंग इन द गैस्ट्रुला टू फॉर्म अ सर्टेन स्ट्रक्चर of the body is called as gastrulation movement, right? So three layers form होंगे उन movements के through, and उन three layers से different different structures जो होते हैं उनका formation आगे proceed करेगा, right? So इन्हें हम gastrulation या gastrulatory movements naming देते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें कैसे पता चला कि ये मूवमेंट्स अकर होते हैं, बिकॉज वी कांट ऑब्जर्व दोज मूवमेंट्स, राइट? ऑब्जर्व करना इतना ईजी नहीं है उन मूवमेंट्स को एक एम्ब्रियो स्टेज में, राइट? अंडर द सिटिंग अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्विंग ऑल द मूवमेंट्स वी डोंट नो, ठीक है? हम ऑब्जर्व इतनी ईजीली कर ही नहीं सकते इन मूवमेंट्स को. तो इन मूवमेंट्स को थ्री प्रोसेसेस के थ्रू स्टडी किया गया, तब कंक्लूजन दिया गया दैट येस गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट्स आर देयर, एंड उनका कन्फर्मेशन हुआ. सो फर्स्ट प्रोसेस इज वाइटल स्टेन. यानी कि इन जनरल हम बोलते हैं कि स्टेनिंग प्रेजेंट है यहाँ पर, राइट? यानी कि डिफरेंट स्टेन्स को, कलरिंग डाइज को यूज किया जाता है. एंड सपोज हमने एज अ एग्जांपल लिया कि ये सेल्स थे, ये ब्लास्टुला पोर्शन था, हमने इस सेल को स्टेन किया, राइट? रेड डाई से, राइट? एंड देन आफ्टर फ्यू हार्स, राइट? और आफ्टर फ्यू डेज हमने ऑब्जर्व किया, तो वी ऑब्जर्व्ड दैट डिवीजन हो रहा है, राइट? तो थ्री लेयर्स का भी फॉर्मेशन हुआ. एंड बिकॉज गैस्ट्रुला फॉर्म है तो थ्री लेयर्स भी फॉर्म हुई. सो एज अ रिजल्ट हमने ऑब्जर्व किया कि इनर साइड में रेड सेल्स ऑब्जर्व हुए, रेड स्टेन्ड सेल्स इनर साइड में एंडोडर्म में ऑब्जर्व हुए. दैट मीन्स पहले डाई हमने आउटर सेल को दिया था, मूवमेंट इज देयर, मूवमेंट हुआ, दैट्स वाई इनर सेल्स रेड डाई शो कर रहे हैं, रेड स्टेनिंग शो कर रहे हैं, राइट? सो इस तरह से गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट को हम वाइटल स्टेन्स के थ्रू, डाइज के थ्रू, कलरिंग एजेंट्स के थ्रू यूज कर सकते हैं. डाई कैन बी ऑफ एनी कलर, रेड, येलो, ब्लू, डाई को यूज कर सकते हैं एंड स्टेनिंग करवा सकते. सेकेंड स्टेनिंग, सेकेंड मूवमेंट को स्टडी करने के लिए जो प्रोसेस है वो है कार्बन पार्टिकल, राइट? दैट मीन्स हम कुछ सेल्स को कार्बन पार्टिकल्स दे रहे हैं एंड देन कुछ आज तक उसे ऐसे ही लीव करने के बाद या कुछ डेज तक ऐसे ही लीव करने के बाद हम उस कार्बन पार्टिकल का कंपोजिशन देख रहे हैं कि किस एरिया में कार्बन पार्टिकल हमने दिया था एंड किस एरिया से हमें कार्बन पार्टिकल का अमाउंट विजिबल हो रहा है या काउंट कर सकते हैं हम, राइट? या कैलकुलेट कर पा रहे, राइट? सो इन दिस वे हम बोलते हैं कि कार्बन पार्टिकल को भी हम एज अ स्टडी मेथड यूज कर सकते हैं कि गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट को हम स्टडी कर, राइट? थर्ड हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की.
राइट, दैट मीन्स हम सेल्स को रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस दे रहे हैं एंड आफ्टर कुछ आज तक कुछ डेज तक लीव करने के बाद हम उसकी रेडियो एक्टिविटी चेक कर रहे हैं कि कहाँ रेडियो एक्टिविटी हमें ज़्यादा शो हुई है. तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के थ्रू भी हम मूवमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं एंड इवन ये भी हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि ये सेल इफ़ यहाँ पर प्रेजेंट था तो इसने किस स्ट्रक्चर को बनाया, क्या स्किन बनाई है, तो स्किन से रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, स्किन से कार्बन पार्टिकल मिलेगा, स्किन से स्टेनिंग दिखेगी, ऑब्जर्व होगी. सो इस बेसिस पर हम गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट को तो स्टडी करते हैं, इवन कौन सा ऑर्गन्स वो आगे जाकर बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, उनको भी हम इजीली स्टडी कर सकते हैं. सो ये थ्री प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम कुछ ऑर्गेनिजम्स में हम फ्लोरोसेंस टैगिंग यानी कि फ्लोरोसेंट डाई जो कि इजीली विजिबल होती है उसे भी यूज कर सकते. सो इस तरह से गैस्ट्रुलेशन की स्टडी की जाती है. नाउ नेक्स्ट गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट्स की ही बात करते हैं कि किस टाइप के गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट्स ऑब्जर्व होते हैं. गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट्स को कंसिडर करते हैं. गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट्स ऑन द बेसिस ओवरऑल हम अगर स्टडी करें तो टू टाइप के होते हैं, एपिबोली एंड एम्बोली. राइट, गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट्स के थ्रू हमें गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर राइट एंड थ्री जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है. एपिबोली का मतलब है कि सेल्स में मूवमेंट हो रहा है आउटर साइड पर, या हम बोल सकते हैं कि आउटर साइड के जो सेल्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं एंड गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे. एपी मीन्स बाहर की सेल्स का मूवमेंट है वहाँ पर जिसके थ्रू एक गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है. एम्बोली मीन्स जो इनर सेल्स हैं वो मूवमेंट शो कर रहे हैं राइट, या मूवमेंट जो है वो इनर साइड में हो रहा है, दैट्स व्हाई एम्बोली. एपिबोली मीन्स मूवमेंट बाहर की साइड आउटर सरफेस पर, एम्बोली मीन्स मूवमेंट इनर साइड में इनर सरफेस पर हो रहा है, दैट मीन्स इनर सरफेस पर हो रहा है तो हम उसे एम्बोली बोलेंगे. राइट, मूवमेंट ऑन द आउटर सरफेस, मूवमेंट इन द इनर साइड, इनर सरफेस एंड सेल्स का मूवमेंट इनर साइड में पॉसिबल. सो इस तरह से दो टाइप के मूवमेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स को हम एम्बोली के अंडर कंसिडर करते हैं कि सेल्स का मूवमेंट इनर साइड में पजेस करता है, इनर साइड में होता है. राइट, नाउ क्योंकि हमने बोला सेल्स इनर सरफेस पर मूव करते हैं तो एम्बोली के डिफरेंट टाइप्स को हम कंसिडर करते हैं. फर्स्ट भी बात करेंगे सेल प्रोलिफरेशन की, यानी कि सेल्स में प्रोलिफरेशन हो रहा है, ये भी एक टाइप का मूवमेंट है गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट जिसमें सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिवाइड हो रहे सेल एंड डाइवर्ज हो रहे, बिखर रहे हैं, नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं. सो इस तरह से सेल प्रोलिफरेशन प्रोसेस होता है. राइट, सेकेंड प्रोसेस की इफ हम बात करते हैं तो होता है कन्वर्जेंट प्रोसेस या कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस का मतलब है कि सेल्स इस टाइप से
डिफरेंट एरियाज में बिखरे हुए हैं, राइट, सेल्स अरेंज्ड हैं, और ये सेल्स एंड में एक जगह पर आकर कन्वर्ज हो रहे हैं, एक ही एरिया पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कन्वर्जेंस नेम देते हैं। थर्ड प्रोसेस आता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब है कि एक एरिया से सेल्स डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट एरियाज में चार, यानी कि इफ सेल्स इस तरह से प्रेजेंट हैं, एक साथ एक्यूमुलेटेड हैं, तो ये डाइवर्ज हो जाएंगे एंड सेपरेट होने की कोशिश करेंगे, या हम बोल सकते हैं पूरे सेल को कवर अप करने की ट्राई करेंगे, राइट। तो कन्वर्जेंस में एक जगह पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, डाइवर्जेंस में एक जगह से सेपरेशन हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एक्यूमुलेशन प्रोसेस हम ऑब्जर्व इतना नहीं करते। फोर्थ, डीलेमिनेशन। राइट, डीलेमिनेशन का मतलब होता है कि एक लेयर है, राइट, उस लेयर में से सेल्स जो हैं वो ब्रेक ऑफ हो रहे हैं, टूट रहे हैं, एंड ब्रेक ऑफ होकर, मतलब एक सेल्स अरेंज्ड हैं, एक लैमिना लाइक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइट, मेम्ब्रेन अरेंज्ड है, ये लैमिना जो है ये डीलेमिनेशन के अंडर को जा रही है, यानी कि इसमें से सेल्स स्प्रेड हो रहे हैं एक एरिया से, राइट, एक एरिया से स्प्रेड हो रहे हैं और डिफरेंट एरिया पर जाकर अरेंज हो रहे हैं। अरेंजमेंट देखेंगे हम डिफरेंट एरिया पर, यानी कि डिफरेंट एरिया में इनका अरेंजमेंट शो होता है, सो उस टाइप के प्रोसेस को हम डीलेमिनेशन प्रोसेस नेमिंग देते हैं। नाउ फिफ्थ टाइप का है इनवेजिनेशन। राइट, इनवेजिनेशन की इफ हम बात करते हैं तो इनवेजिनेशन का मतलब है दैट सेल्स प्रेजेंट हैं इनर साइड में, इनवेजिनेट हो एंड एज अ रिजल्ट सेल्स का मूवमेंट इनर साइड में ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी कि इसको हम एग्जांपल इफ हम लें इसका, तो इनवेजिनेशन में हम देखते हैं, हमने एक पिंग पोंग बॉल ली सपोज, उसके अंदर हम फिंगर इंसर्ट करते हैं, तो हमें ऐसे दिखेगा कि वो अंदर की तरफ मूव कर रही है। सेम वे में सेल्स का मूवमेंट इनर साइड पर होता है एंड अंदर की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, तो इनवेजिनेशन में इस टाइप का मूवमेंट हमें ऑब्जर्व होता है एंड इस तरह से सेल्स यहाँ पर मूवमेंट करेंगे एंड थ्री लेयर्स को फॉर्म करेंगे। वहीं सिक्स्थ, इन्वॉल्यूशन। इसमें भी क्या हो रहा है, इनर साइड में ही मूवमेंट है, बट वहाँ पर क्या होगा, सेल्स मूव करके वॉल्यूम में इनर साइड से बढ़ जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज कर लेंगे, अंदर जाके एक पूरा वॉल्यूशन के फॉर्म में। दोनों में डिफरेंस हमें डायग्रामेटिकली बहुत क्लियर हो रहा है कि इन्वॉल्यूशन हो रहा है मीन सेल्स का मूवमेंट इनर साइड पे ही हो रहा है, बट वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहे हैं, कैविटी को फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक फिंगर प्रिक की तरह यूज़ हो रहा है एंड अंदर की तरफ इनर साइड में सेल्स का मूवमेंट ऑब्जर्व होता है, राइट। सो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के सेल मूवमेंट्स, या हम बोल सकते हैं गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनको स्टडी करते हैं। सेम वे में हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक और टाइप का गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट अकर करता है जिसे हम एक्सटेंशन नेम देते हैं, यानी कि एक प्रिजम्प्टिव एरिया हमारे पास प्रेजेंट है, राइट, ऑलरेडी जिसे हमने प्रिज्यूम कर रखा है वो प्रिजम्प्टिव एरिया प्रेजेंट है, अब इस एरिया में एक्सटेंशन हो रहा है, ये एरिया और स्प्रेड हो रहा है, राइट, इस एरिया में और स्प्रेडिंग ऑब्जर्व हो रही है, यानी कि ये एरिया स्प्रेड हो रहा है, तो इसे हम एक्सटेंशन नेमिंग देंगे। ऑलराइट, सो इस टाइप से डिफरेंट मूवमेंट्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं।
जब हम सेल प्रोलिफरेशन की बात करते हैं तो सेल प्रोलिफरेशन हमें बहुत सारे प्रोसेसेस में, बहुत सारे जितने भी जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन है उन सब में हमें सेल प्रोलिफरेशन प्रोसेस ऑब्जर्व होता है, देखने को मिलता। जब हम कॉन्वर्जेंस की बात करते हैं तो कॉन्वर्जेंस में क्या होता है, सारे जितने भी हैं वो एक जगह पर आकर कंबाइंड हो जाएंगे। जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं, हम चिक में ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास दो एरियाज होते हैं, एक एरिया पेल्यूसिडा होता है, राइट, एक एरिया ओपेका होता है। एरिया ओपेका ओपेक होता है, एरिया पेल्यूसिडा ट्रांसपेरेंट होता है। सो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जितने भी सेल्स हैं वो एरिया पेल्यूसिडा में आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द रीजन्स जो बॉडी के हैं वो सारे इसी पार्ट से फॉर्म होंगे, यानी कि एम्ब्रियो का पूरा जो फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो पूरा हमें यहीं से ही ऑब्जर्व होता है। सो कॉन्वर्जेंस में एक जगह पर आकर एक्यूमुलेशन है सेल्स का एंड वहाँ से फिर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। डाइवर्जेंस में देखते हैं एक एरिया से अलग जगह पर जा रहे हैं, यानी कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि हमारी थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, राइट। सपोज हम एग्जाम्पल एक्टोडर्म का ही ले लेते हैं। हमने बोला एक्टोडर्म से स्किन भी फॉर्म होती है, एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम भी फॉर्म होता है, यानी कि ब्रेन भी फॉर्मेशन शो करता है। सो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि एक्टोडर्म स्किन भी फॉर्म कर रही है, नर्वस सिस्टम भी, तो एक्टोडर्म जो है वो स्प्रेड हो रही है, डाइवर्ज हो रही है डिफरेंट रीजन्स में, यानी कि स्किन वाले पार्ट में भी जाकर सेल्स बना रही है और स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रही है। तो एक एरिया से डाइवर्जेंस शो हो रहा है एंड डिफरेंट डिफरेंट जगह पर वो जाकर वर्क कर रही है। सेम वे में नर्वस सिस्टम ब्रेन भी बना रही है, पहले प्रेजेंट सिर्फ आउटसाइड में थी, अब धीरे धीरे हर रीजन की तरफ इसका मूवमेंट ऑब्जर्व किया जाता है। फोर्थली डीलेमिनेशन की बात करते हैं तो डीलेमिनेशन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है डिस्को ब्लास्टुला के डेवलपमेंट में, राइट। डिस्क शेप्ड में ब्लास्टुला प्रेजेंट होता है, वहां पर डीलेमिनेशन प्रोसेस होता है, एक लैमिना जो है सेल्स स्प्रेड होते हैं, एक और लेयर बीच में फॉर्मेशन करते हैं, टू कैविटीज का फॉर्मेशन होता है एंड आगे फिर मूवमेंट के थ्रू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सो डीलेमिनेशन प्रोसेस हमें डिस्को ब्लास्टुला में ऑब्जर्व होता है। एक्सटेंशन की बात करें, एक ही एरिया वॉल्यूम में बढ़ रहा है, यानी कि बात की हमने एरिया पेल्यूसिडा की, पहले मार्क्ड था, राइट, छोटा सा रीजन है, अब धीरे धीरे ये एक्सटेंड हो रहा है, रीजन बड़ा हो रहा है, बिकॉज सारे बॉडी पार्ट्स इसी से फॉर्म होने हैं, तो एक्सटेंशन हो रहा है एक प्रिजम्प्टिव एरिया। इनवेजिनेशन एंड इनवॉल्यूशन, ये दोनों प्रोसेसेस कुछ कुछ सिमिलर लगते हैं बट हैं डिफरेंट, बिकॉज इन्वॉल्यूशन में हमने देखा वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, राइट, सो सेल का मूवमेंट भी उसी तरह से कंटिन्यू आगे करता। इन वेजिनेशन में हमने ऑब्जर्व किया कि इनर साइड में सेल्स का मूवमेंट है एंड एज अ रिजल्ट कैविटी शो होती है। सो इस टाइप से डिफरेंट गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट्स हमारे वर्क करते। नाउ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इफ इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं, गैस्ट्रुलेशन की क्या सिग्निफिकेंसेस हो सकती हैं, क्या इम्पॉर्टेंस हो सकती है। फर्स्टली हम बोल रहे हैं कि गैस्ट्रुला इंटरमीडिएट स्टेज है आगे न्यूरुला को फॉर्म करने के लिए। सो वी कैन से कि इंटरमीडिएट स्टेज है, अगर ये इम्पॉर्टेंस है कि इफ इट विल नॉट बी प्रेजेंट एंड न्यूरुला विल नॉट बी फॉर्म्ड, सो इट इज द स्टेज विच फर्दर टेक्स अप टू द न्यूरुला स्टेज। सो न्यूरुला की प्री स्टेज प्रेजेंट, राइट। इनमें सेल्स थ्री लेयर्स में, थ्री जर्मिनल लेयर्स में फॉर्मेशन शो करते हैं एंड एपिडर्म, मीजोडर्म,
एंडोडर्म। इन थ्री लेयर्स में इनका फॉर्मेशन होता है। नाउ जब हम कंसिडर करते हैं एपिडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म की, इन तीनों को जब कंसिडर करते हैं, सो हम यही देखते हैं कि इन तीन रीजन से डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। यानी कि थर्डली हम बोल सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ताकि डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो सके, राइट? ये फॉर्मेशन पॉसिबल हो सके डिफरेंट ऑर्गन्स का। सो ये भी एक इसका सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस। नाउ फोर्थली हम कंसिडर करते हैं प्री गैस्ट्रुला एंड पोस्ट गैस्ट्रुला। टू स्टेजेस में ये डिवाइडेड रहता है। प्री मीन्स गैस्ट्रुला की स्टार्टिंग स्टेज, पोस्ट मीन्स एंडिंग स्टेज, राइट? सो गैस्ट्रुला में एज अ रिजल्ट कैविटी भी फॉर्म होती है एंड इससे डेवलपमेंट प्रोसीड करता है। एंड एज अ रिजल्ट इनमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को फॉर्म करने में, डिफरेंट ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में ये हेल्प करेंगे, राइट? सो इस तरह से ये कंडक्शन होता है और गैस्ट्रुलेशन टॉपिक यहाँ पर हमारा फिनिश होता है कि सिग्निफिकेंस इनके क्या क्या हो सकते हैं।